दृढ़ संकल्प विजय की गारंटी देता है। आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपको अपने काम या लक्ष्य को पाने की शुरुआत में ही आधी जीत तय कर देता है। अगर आपने मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं और इसके साथ एफर्ट करते हैं और आप देखेंगे कि बाकी की आधी जीत भी आपकी पक्की हो जाएगी। और ये शब्द कर्क राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल 2024 महीने में सफलता की गारंटी बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं कर्क राशि अप्रैल 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रिय साथियों, सबसे पहले आज हम ग्रहों के परिवर्तन की बात करेंगे, उसके बाद कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है और कौन सी आपके लिए शुभ डेट है, फिर बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे, सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार कैसे बने अप्रैल, इसके होंगे विशेष उपाय। लेकिन शुरुआत ग्रहों के परिवर्तन से। बुध तीन बार परिवर्तन करेगा। 2 अप्रैल से बुध 10th हाउस मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। 9 अप्रैल से बुध 9th हाउस मीन राशि में चले जाएंगे। 13 अप्रैल से सूर्य 10th हाउस मेष राशि में उच्च राशि को जाएंगे। 23 अप्रैल से मंगल 9th हाउस में मीन राशि में रहेंगे। 24 अप्रैल से शुक्र 10th हाउस मेष राशि में और फाइनली 25 अप्रैल से बुध 9th हाउस में मीन राशि में रहेंगे लेकिन मार्गी हो जाएंगे। प्रिय साथियों, जब भी कर्क राशि से चंद्रमा जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी है 4th, 8th और 12th जाएंगे, आपको मानसिक तनाव, तकलीफ, परेशानियां, ये महीने में आप 2-4 दिन नोट कर लीजिए, ऐसा होता ही है हमारे साथ, काम डीले होते हैं बल्कि बनते काम बिगड़ते लगे, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ तकलीफ आती है, मन निराशा में डूब जाता है। ये वक्त आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन एडवांस में इसकी प्रिपरेशन की जाए तो ये वक्त आसान भी हो सकता है। इसी कड़ी में 5 और 6 अप्रैल को रहेंगे 8th, 13, 14, 15 अप्रैल को 12th और 23, 24 अप्रैल को रहेंगे 4th। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास आपके लिए शुभ डेट्स भी बहुत सारी ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गज केसरी की। 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24 और 25 और 30 अप्रैल को गुरु और चंद्रमा का महान बनेगा गज केसरी। 5 और 6 अप्रैल को 8th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी हो। 9 से 12 अप्रैल तक 9th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य हो। 9 से 23 अप्रैल तक 9th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग रहेगा। इसी से आपने आपका राशिफल तैयार किया। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 27 और 31 मार्च को मुंबई हूं, 28 मार्च रायपुर, 29 मार्च बेंगलुरु, 30 मार्च पुणे, 5 अप्रैल अहमदाबाद, 6 अप्रैल चंडीगढ़, 7 अप्रैल दिल्ली, 13 अप्रैल रांची और 14 अप्रैल को गुड़गांव रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए सबसे पहले कर्क राशि वाले लोगों को शनि की ढैया तो चल ही रही है, इसके बिजनेस एंड वेल्थ का सबसे पहले हाल जानते हैं, कौन से सेक्टर में आपको तरक्की ज्यादा मिल सकती है। शुरुआत में 9 से लेकर 23 अप्रैल तक 9th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है। जितने लोग फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन, पैशन हॉबीज, स्पा सलोन, जिम का काम करते हैं, कोई भी प्रकार के क्रिएटिव और इनोवेटिव काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, भाग्य उनका साथ देगा। ये सारे बिजनेस शुक्र से संबंधित है, इससे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप देखिए, शनि स्वग्रही होकर अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म स्थान को देखते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग और कोई भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सक्सेस मिलेगी। नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा और पुराने लोगों को मोरल उनका बूस्ट करना होगा। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ही अपने से अगले घर में विराजमान है और अभी मार्च महीने में 21 तारीख को उदय हो चुके हैं। स्वग्रह होकर विराजमान होने से बिजनेस में बढ़िया रिसर्च और डेवलपमेंट आप कर पाएंगे, करंट मार्केट के ट्रेंड को आप समझ पाएंगे और अपने आप को भी टेक्निकली अपडेट और अपग्रेड करेंगे। इसके अलावा देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक है और मैनेजमेंट की टेक्निक बुध देते हैं, वो दोनों साथ में और गुरु की धन भाव पर दृष्टि है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और प्रॉपर्टीज बेचकर नई प्रॉपर्टी लेके रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के लिए कोई जमीन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। लीगल अवेयरनेस रखिएगा, डॉक्यूमेंट सही रखना है क्योंकि गुरु और राहु का 2-12 का संबंध है। इसके अलावा देवताओं के गुरु बृहस्पति 6 घर को देखते हैं, कहीं से पैसा आकर खर्चे और कर्जे आप चुका पाएंगे। अब बात करते हैं केतु देव की। देखिए, केतु की 5वीं दृष्टि बिजनेस हाउस पर है, पार्टनर के साथ समझदारी से साझेदारी आपको निभानी है, बिजनेस में स्ट्रांग डिसीजन लेने होंगे और वीक जो सिचुएशन है उसको स्ट्रांग कैसे करना है उस पर ध्यान देना, एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, अशांत मन को अपनी जिंदगी से शांति की तरफ ले जाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और फिर केतु के 11th हाउस पर भी दृष्टि और भाग्य स्थान पर भी, जिस कारण नई इनकम जनरेट हो सकती है। 22 अप्रैल तक मंगल की 4th दृष्टि
यहां से इनकम हाउस पर है, तो जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। बिजनेस एक्सपांशन पर नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, जितना फिरोगे उतना चलोगे। स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देंगे तो फायदा ही फायदा आपका होने वाला है। अब आइए बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी नवमी दृष्टि से छठे भाव जो कि जॉब के लिए भी माना जाता है, आपको एक बड़ा गोल बनाना है इस महीने का, उसके साथ साथ उसी से जुड़े हुए पांच छोटे छोटे गोल बनाने, एक एक करके उसे आप हासिल करते जाए। इस महीने में आप रेगुलर अपने टास्क और टाइम पर ध्यान देंगे तो आप खुश हो जाएंगे और अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाएगा। 22 अप्रैल तक 8th हाउस में शनि मंगल का अंगारक दोष भले ही है, जो लोग लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। और साथ में सीनियर और जूनियर और आपके आसपास के लोगों की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। आलोचनाएं लोग करते रहते हैं, लोग जलते रहते हैं, उन पर ध्यान दोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आईटी सेक्टर के लोगों को जॉब नहीं मिल सकती। शनि की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर होने की वजह से आप जॉब चेंज करने के बारे में या जॉब में ही कोई बदलाव के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के जॉब नहीं चेंज करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे तो 13 अप्रैल से 10th हाउस में सूर्य उच्च राशि होकर विराजमान हो जाएंगे और गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रुकी हुई कोई चीजें आपकी पूरी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब कर रहे या उसकी चाहत रखने वाले लोगों के लिए सूर्य उच्च के होकर आपको लाभ देंगे। और कलाम साहब ने कहा था कि सूर्य की तरह यदि चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना सीखिए। 24 अप्रैल से 10th हाउस में गुरु और शुक्र का शंख नामक राजयोग बन जाएगा, तो एक नई जॉब या जॉब में नए पद का शंखनाद होगा। मेहनत आपकी रंग लाएगी, आप नहीं आपका काम बोले। डेडिकेशन, डिसिप्लिन अगर आपने अपना लिया, हर काम में डेडलाइन तय की, तो ये सफलता सम्मान भी आपको दिलाएगी। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि शनि जब 10th हाउस को देखते हैं तो थोड़ा लेजीनेस रहती है, आलस्य रहता है, ऐसा व्यक्ति लापरवाह हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, इससे आपको बचना होगा। इसके अलावा इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं उन पर अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे, ध्यान देना जरूरी है पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आप बहुत सारे मौके गवा देंगे, इसलिए मौका मिलते ही चौका लगाइए। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। देखिए शनि 7th हाउस के लॉर्ड होकर 8th हाउस विराजमान अपने से अगले घर में और मार्च में उदय हो चुके हैं, तो शनि का अपने 7th हाउस से 2-12 का संबंध पति पत्नी के बीच में चिंता बढ़ा सकता है। पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की सेहत एक चिंता का कारण जरूर बन सकती है, पर मैं कहूंगा चिंतन करिए और अवेयर रहिए। इसके अलावा गलत फहमी पैदा होगी परिवार को लेकर, आप कुछ और करेंगे कहेंगे, वो कुछ और समझेंगे, वो कुछ और कहेंगे, आप कुछ और समझेंगे, कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, तो पर्सनल प्रॉब्लम को उसके आने से पहले ही सॉल्व कर दीजिए। 23 अप्रैल तक शुक्र आपके भाग्य स्थान में उच्च राशि होकर विराजमान रहेंगे, घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो, वस्त्र आभूषण खरीद रहो, बच्चों के लिए आप कुछ स्पेशल कर पाएंगे जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो आपकी जो हल्की फुल्की टेंशन थी वो दूर हो जाएगी। फैमिली में आपको छोटा बड़ा त्याग करके ही शांति मिल सकती है। लव पार्टनर के साथ आपके रोमांच और रोमांस और ट्रेवल करने के अवसर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि जो लव पार्टनर होता है 5th हाउस से देखे जाते हैं, उसके लॉर्ड मंगल अपने से 4th घर में चले गए। हालांकि केतु की 5वीं दृष्टि गलत फहमियां पैदा करेगी परिवार के अंदर, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है और डिससेटिस्फैक्शन आपको हो सकता है, इसलिए आपको जितना मौन रहेंगे, शांत रहेंगे उतना अच्छा है। और डिस्टर्ब लव लाइफ को ठीक करने के लिए, ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए पॉजिटिव सोचिए, अपने पार्टनर की अच्छी बातों को याद रखिए और ईगो को घर के बाहर रखिए, तो आपके लिए समय अच्छा हो सकता है। इसके अलावा गुरु आपके केंद्र में विराजमान है, जिस वजह से आपका हुनर बोलेगा। आपको अगर लगता है कि आप अपने घर परिवार को चलाने में कुछ एक्स्ट्रा समय आपको मिल पाता है तो अच्छी पढ़ाई करिए, कुछ नए गुण सीखिए, ऑनलाइन ही हो कुछ काम करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर। सबसे पहले शनि की जो 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पर है और पंचमेश खुद मंगल शनि के साथ विराजमान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मेडिसिन, मेडिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट के लिए बल्ले बल्ले वाला समय है। आपकी मेहनत और कसरत अब काम आने वाली है। जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब करना चाहते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भाग्य भाव के शुक्र आपकी इसमें मदद करने वाले हैं। 22 अप्रैल तक 8th हाउस पर शनि मंगल का अंगारक दोष जरूर है, जिस वजह से आपके अपने ही दोस्तों से दुश्मनी हो सकती है, बुरी आदतें आपको परेशान कर सकती है। सोशल मीडिया हो या रात को ज्यादा जगना हो, एंग्जाइटी हो या दिन में लेट उठना और ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपको डाइवर्ट कर सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। मैं इतनी सलाह आपको जरूर दूंगा। राहु पढ़ाई के घर को देखते हैं तो पढ़ाई तो आपने की है, मेहनत, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, लेकिन अज्ञात भय आपको परेशान करने वाला है। 24 अप्रैल से 10th हाउस में गुरु शुक्र का शंख योग बनने वाला है,
कुछ नए गुण सीखने वाले हैं और इसके साथ साथ पढ़ाई के अलावा अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर आप अपने सपनों को साकार करने वाले हैं। जितने लोगों को पुलिस फौज प्रशासन एडमिन सर्विसेज की तैयारी करनी है, जब सूर्य उच्च राशि को हो जाएंगे कर्म स्थान में, वो एकेडमिक लेवल पर एजुकेशन आपके लिए काम करेगी। आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज के दम पर आप बेहतर काम करने वाले हैं। बस टाइम वेस्ट मत करिएगा जो मैंने आपको कहा है। वीजा के लिए अप्लाई करना मंगलवार आपके लिए सबसे बढ़िया समय होगा। अब बात करते हैं हेल्थ और ट्रैवल प्लान की। दो बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा तय है मिनिमम। इसके अलावा देवताओं के गुरु बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि है। पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण तकलीफ आएगी। एलर्जी की तकलीफ और फंगल इन्फेक्शन और स्किन की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश कर सकते हैं। अब बात करते हैं एट्थ हाउस में शनिदेव विराजमान है, जो मंगल के साथ अंगारक दोष बना रहे। पुराना रोग वापस आ सकता है, चोट, दुर्घटना, अपने ही दोस्तों से झगड़े, फसाद, कोई लीगली आपको फंसा सकता है और प्रेम में भी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए, योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको एंथुजियास्टिक बना सकती है। इस पर ख्याल जरूर करिएगा। अब बात करते हैं यादगार और शानदार अप्रैल कैसे बने, इसके विशेष उपाय। 9 अप्रैल चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। आप प्रातःकाल स्नान अधिकारियों से निवृत्त होकर माँ भैरवी की आराधना करें और ओम हसय वर वरदाय मनोवांछितम सिद्धये ओम इस मंत्र की रोज एक माला 9 दिनों तक करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, अर्गला और तिलक का पाठ करिए। 17 अप्रैल रामनवमी पर श्री राम दरबार को मावे की बर्फी और नारियल का भोग लगाते हुए पूजा अर्चना करें और उसके बाद श्री रामाष्टकम का पाठ करें। 19 अप्रैल कामदा एकादशी पर आप अपनी मनोकामनाओं पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु जी को दूध में हल्दी मिलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए अभिषेक करें। 23 अप्रैल हनुमान जयंती पर पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें और हनुमान जी पर पीले पुष्प चढ़ाएं और साथ में उनसे अपने बेहतर जीवन के लिए कामना करिए। निश्चित मानिए ऐसी शक्ति मिलेगी कि आप अपनी जिंदगी और अप्रैल को शानदार बना पाए। मेरे प्रिय कर्क राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। आप उससे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान, कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।